My Carrom is the specialized online store of the carrom boards. If you are looking for carrom board, stand, lampshades, carromin, striker, powder, carrom cover, carrom pockets or any other carrom accessories, My Carrom is the one-stop solution. 100% original and genuine products you will get on My Carrom visit website. If you have query or doubt, call 8898757038. व्हाट्स अप गाइज, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल की एक और नई कैरम गेम प्ले वाली वीडियो में। इसमें एक मैं आपको बहुत तगड़ा स्लैम बताने वाला हूँ और कुछ अच्छे कमाल के स्ट्रोक्स जो ड्यूरिंग प्रैक्टिस लगे, मतलब ऐसा नहीं कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है या कुछ, मतलब कुछ ऐसे अच्छे स्ट्रोक्स जो प्रैक्टिस में लगे हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ। और एक बहुत तगड़ा स्लैम, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा तगड़ा स्लैम है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हुक देखा आपने, एंगल देख लो स्लो मोशन में कैसे मारा है, ये देखो कितनी ऊपर कट है, कितनी ऊपर की कॉइन सीधी नहीं जा रही थी, वो कोशिश करी कट मारेंगे और उससे ये भी रिलीज़ करने की कोशिश थी लेकिन हालांकि हुई नहीं, लेकिन वो कितने ऊपर की कट हमने पॉकेट में मारी है। पंच के बाद ये देखो इसको फ्रेम में मारा और फ्रेम में मार के स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश, फ्रेम में मार के इससे हम बहुत कुछ इजी रिलीज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको फ्रेम में मारा था। और एक डबल टच, उसके बाद में रिटर्न और ये पॉकेट में। अब ये पीछे वाली ब्लैक हमें किस तरह पॉकेट करनी है देखो, तो पीछे वाली ब्लैक को एक टप्पू मारना होता है, टप्पू मतलब देखो कहाँ पर मारा हमने, और फिर स्ट्राइकर उसको फॉलो किया और आगे वाली वाइट साइड में हट गई और वो पीछे वाली पॉकेट में चली गई। तो ये इस तरह से टर्निंग स्ट्रोक है, इसको पलटी बोल सकते हो। तो ये पीस में देखो कितना गैप है और हमने किस तरह से उसको टर्न किया, क्योंकि सीधी तो जा नहीं रही थी इसलिए हमें उसको टर्निंग मारना पड़ा, तो टर्निंग स्ट्रोक। अब ये इसमें आपको देखने मिलेंगे दो बहुत डिफ़िकल्ट कट वीडियो कट करना पड़ेगा कट बोलते बोलते। खैर ये कट देखो कितना हार्ड कट था। और उसके बाद ये एक और कट देखो, एक दो तीन, स्ट्राइकर कितनी ज़ोर से मारा और कॉइन कितनी स्लो गई, तो इसलिए हमने इसको कट किया था। तो इसमें दो कट आपको बहुत अच्छे देखने मिले। अब इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पहले तो देखो मैंने कितना स्लोली मारा ताकि वो जो पीसेस है वो आगे ना जाए। अब ये जो है ये वाइट देखो हम किस तरह से दूर फेंकेंगे, कितना दूर फेंका हमने देखो उसको, कहाँ से कहाँ पॉकेट से कितनी दूर फेंकी। तो अब ये ब्लैक मार के कोशिश थी कि ब्लैक रिलीज़ हो जाएगी, इजी हो जाएगी, लेकिन वो इतनी इजी रही नहीं, वाइट रास्ते में है उसको मारने के लिए। तो हमें इसको ये पॉकेट में कट मार के पॉकेट करना पड़ेगा, कट स्ट्रोक का इस्तेमाल करके, तो वही हमने किया। अब ये एक सिंपल रिटर्न एंगल में परफेक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि एंगल देखो क्या है, ये एक और कट के बाद ये एक रिटर्न में मैं आपको बताना चाहता हूँ एरो पे देखो मारा है स्ट्राइकर, वो एरो पे मारो तो जाएगी। एक और कट के बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट कट देखने मिल रही है, क्वीन पॉकेट करते हुए एक ब्लैक रिलीज़। अब ये पीस मारते हुए देखो किस तरह से रिलीज़ किया। अभी आप सीधा मारते तो मुश्किल होती है वो निकलना, इसलिए हमने नीचे वाली फ्रेम में स्ट्राइकर मारा और ब्लैक रिलीज़ करी, और ब्लैक रिलीज़ करके काफ़ी आसानी से हमने इसको पॉकेट कर लिया। तो ये एक और डिफरेंट तरीका है इसको पॉकेट करने का। ये यहाँ पे डबल नहीं जा रहा था, डबल का एंगल में है वो पीस देखो, सेंटर में है तो उसको आप सर्कल से मारोगे स्ट्राइकर और आपका कॉइन फॉलो करेगा स्ट्राइकर आपका कॉइन को, तो वो बिल्कुल पॉकेट में जाएगी। वही टेक्निक से मैंने उसको मारा। और ये साइड में इसीलिए नहीं मारा क्योंकि यहाँ पर एक पीस थी जो ये अभी मैं पॉकेट कर रहा हूँ, ये वाली पीस थी तो वो रास्ते में आ सकती थी। तो अब जो है ये मतलब ये पूरी वीडियो की जान है, ये एक ब्रेक टू फिनिश जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वन ऑफ दी बेस्ट वाइट स्लैम है ये आज तक का, ऐसा मुझे फील हुआ जब मैं इसको मार रहा था तब, क्योंकि बहुत ट्रिकी सा पोजीशन था और बहुत मज़ा आया मुझे ये स्लैम होने में। तो मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रेक देखो कैसे किया हमने। ब्रेक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको स्लो मोशन में फिर से एक बार देखते हैं, तो ब्रेक हमारा एग्जैक्ट वाइट पे लगा है। वाइट पे लगने के बाद पहली जो आगे वाली कॉइन थी वो नहीं गई और दूसरी कॉइन पीछे वाली गई। तो ये ऐसा पोजीशन है, इस पोजीशन में इतना आसान बनता नहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो ये सीधी जा रही है, इसको सीधी हमने मार ली। अभी ये पोजीशन ऐसा है कि कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी क्या खेलना है ये कैलकुलेट सबसे पहले मैं कर रहा हूँ। अभी मुझे एक वाइट दिख रही है राइट साइड में जो सीधी जा रही है, लेकिन उसके आगे एक ब्लैक है, तो वो ब्लैक को मुझे रास्ते से निकालना है, ऐसा मेरे माइंड में थॉट आया। वो इसीलिए निकालना है क्योंकि पीछे क्वीन का एक कनेक्शन है, लेकिन वो मारना इतना आसान बनता नहीं। लेकिन मैं बोला चलो इसको रैपिड मार के, जो मैंने बोला वाइट को रैपिड देखो कैसे फास्ट मारा और ब्लैक को रास्ते से हटा दिया, जितनी मुझे चाहिए थी उतनी हटाया। और उसके बाद ये जो कनेक्शन है ये सीधा नहीं है, मतलब ये ब्लैक से क्वीन को कनेक्ट करना है। और इतना ही नहीं, वाइट है वहाँ पे, उसको चिटकाना भी है और उसको रॉन्ग कनेक्शन मारना है, तो वही रॉन्ग कनेक्शन हमने मारा। और ये वाइट थोड़ी ज़्यादा ही आगे चली गई, मुझे लगा कि यार ये सीधी आ जाएगी, लेकिन वो सीधी आई नहीं और हार्ड हो गई, मतलब ब्लैक के पीछे चली गई, तो आसान बनता नहीं। लेकिन अपने पास एक और अपना फाइनल हथियार बचा था, वो है अपना ये बम, और ये बम से पूरा फोड़ दिया हमने, बम फोड़ दिया, पूरी सेंटर की कॉइन सब फोड़ दी हमने। और उसके बाद हमारे पास में ये पोजीशन है, देखो ये भी अभी आप ध्यान से देखेंगे तो 5 कॉइन है, पाँचों खुली है, मतलब अटकी नहीं है कहीं पे, इतना तो कंफर्म है। लेकिन जो है मारना इतना आसान बनेगा नहीं, क्योंकि पोजीशन काफ़ी ट्रिकी सी है। ये हम लोग सीधी जा रही है तो इसको सीधी मार लेंगे, सीधी मारने के बाद में अब वो वहाँ पे 2 है, लेकिन वो सिंगल नहीं जा रही, और कनेक्ट भी करना इतना आसान नहीं है उसको, क्योंकि ये साइड में थंब के साइड में भी ब्लैक है और ऊपर साइड से भी एक ब्लैक है, तो बीच में से बिल्कुल बनाना है। ग्रिप नहीं बन रहा है तो एक उंगली वाली ग्रिप से मैंने इसको मारा, और ये बहुत प्यारा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यारा कनेक्शन हुआ वो। और उसके बाद में तो ये सीधी थी हमारे पास में, सीधी मतलब काफ़ी आसानी से वो कॉइन मैंने मार ली, सीधी थी मतलब सीधा ही जा रही थी, तो बस थोड़ा वाइड एंगल से मारना था। अब ये पॉकेट थोड़ा ऊपर है तो मैंने अपने ब्रश से पॉकेट थोड़ा सा नीचे किया, और उसके बाद में ये भी सीधी पॉकेट कर ली जो एरो पे है। इसको पॉकेट करने के बाद में ये एक लास्ट कॉइन है, और ये कॉइन अगर हम मारते हैं तो ये स्लैम होगा, लेकिन इसको भी देखो मारने के लिए इतनी खासी सही से जगह नहीं थी, और ये बहुत प्यारी कट लगी, और ब्लैक के कितने बाजू से हमने इसको निकाला वो एक और बार देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लगा वो कट। तो मुझे बहुत पसंद आया ये स्ट्रोक और ये स्लैम, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर देना, कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है। उसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।